हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम होम साइंस की सेकेंड क्लास को आपके लिए लाए हैं, जिसमें टेक्सटाइल, जिसे हम हिंदी में वस्त्र विज्ञान कहते हैं, को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, जैसे स्क्रीन पे आप सबको दिख रहा होगा, वस्त्र विज्ञान टेक्सटाइल। वस्त्र विज्ञान, जिसको इंग्लिश में टेक्सटाइल कहते हैं, वस्त्र विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। किससे? वस्त्र प्लस विज्ञान। वस्त्र का मतलब क्या होता है? वस्त्र जो है यह रेशों से बना कपड़ा होता है। वस्त्र क्या है? यह रेशों से बना हुआ कपड़ा होता है। और विज्ञान क्या है? यह सैद्धांतिक अध्ययन। किसी चीज का जब हम सैद्धांतिक अध्ययन करते हैं तो उसे हम विज्ञान कहते हैं। और जो वस्त्र होता है उसका निर्माण कैसे होता है? उसका निर्माण कई चरणों में होता है। जैसे सबसे छोटी जो हमारी इकाई होती है वस्त्र की, वो क्या होती है? रेशा। तो सबसे छोटी इकाई रेशा होती है वस्त्र की। रेशे से फिर धागा बनता है, धागे से फिर कपड़ा बनता है, कपड़े से फिर परिधान या वस्त्र का निर्माण होते हैं। तो ये वस्त्र आया कहाँ से, इसकी उत्पत्ति कैसी हुई, मानव के मस्तिष्क में वस्त्र के बारे में आइडिया कहाँ से आया, कहाँ से मानव ने वस्त्र पहनना शुरू किया, थोड़ा सा हम इसके इतिहास पर नजर डालते हैं, देखते हैं कि वस्त्र विज्ञान के इतिहास में क्या क्या है। तो जैसे वस्त्र विज्ञान के इतिहास में देखें, तो वस्त्र विज्ञान के इतिहास में यह पांच अवस्थाओं से होकर गुजरा है। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? पहली है नग्न अवस्था, सेकेंड है शिकार अवस्था, और तीसरी है कृषि अवस्था, और चौथी सामाजिक अवस्था, पांचवी है आधुनिक अवस्था। नग्न अवस्था में क्या था? नग्न अवस्था में जो आदिकाल के मानव रहते थे वो जंगलों में घूमा करते थे, कंदमूल फल खाया करते थे, उन्हें ज्यादा, उनकी बुद्धि ज्यादा विकसित नहीं थी, उन्हें ज्यादा ज्ञान नहीं था, तो वो पेड़ों की छाल पत्तियों से वो वस्त्र बनाते थे या उसका उपयोग करते थे। और किस लिए उपयोग किया जाता था वस्त्र का? उस समय सुरक्षा की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? सुरक्षा की दृष्टि से वस्त्र का उपयोग किया जाता। और किससे सुरक्षा? एक मौसम से सुरक्षा और दूसरा जानवरों से सुरक्षा। तो मौसम से सुरक्षा और जानवरों से सुरक्षा, क्योंकि उस समय के मानव को ज्यादा बुद्धिमान नहीं थे, ज्यादा उन्हें ज्ञान नहीं था, तो वो कंदमूल फल खाते थे और पेड़ वुड में जो छाल रहता था उसका ही अपना शरीर ढकने के लिए उपयोग करते थे। उसके बाद जो दूसरी अवस्था आती है वो आती है शिकार की अवस्था। और शिकार की अवस्था में मानव क्या किया, जब वो जानवरों का शिकार करने लगा तो जानवरों की जो खाल होती थी वो उसका इस्तेमाल वस्त्र के रूप में करने लगा। किसकी, किसका इस्तेमाल? जानवरों की खाल का, जानवरों की खाल का वह उपयोग वस्त्र के रूप में करने लगा। उसके बाद जो तीसरी अवस्था आती है वह कृषि की अवस्था। कृषि अवस्था में मानव खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया, एक जगह रहना, झुंड में रहना शुरू कर देता है, और जब वह अनाज उगाने लगा, खेती करने लगा, तो उसने देखा वहां से उसको रेशे मिले, और इसी अवस्था में उसने देखा उसका जो माइंड था, दिमाग, और ज्यादा विकसित हुआ। उसने पक्षियों को देखा कि पक्षी घोंसला कैसे बना रहे हैं, उसने और लताओं और पेड़ों की पत्तियों को एक दूसरे में उलझते हुए देखा, तो उसने सोचा, उसके मन में आइडिया आया घोंसलों को देखकर, कि वो जिस तरह से चिड़िया तिनकों को, घोंसलों को देखकर उसके मन में आइडिया आया कि जिस प्रकार से चिड़िया तिनके उठाकर तिनकों को एक दूसरे में बना के घोंसला तैयार कर लेती हैं, तो उसी तरीके से मानव ने रेशे को सोचा और पत्तियों रेशों को सोचा कि एक दूसरे में गूंथ के वो क्यों नहीं, तो वहां से वो टोकरी, डलिया, चटाई, ये सब बनाना शुरू किए। और उसके बाद यहां से ही रेशों की उत्पत्ति मानी जाती है। तो अगर हम कहें कि कृषि अवस्था में ही रेशों की जानकारी उन्हें हुई तो ये सही होगा। तो हम कह सकते हैं यहां पे, और कैसे रेशे? प्राकृतिक रेशों, प्राकृतिक रेशों की जानकारी किस अवस्था में हुई? कृषि अवस्था में हुई। तो प्राकृतिक रेशों की जानकारी जो है
मानव को कृषि अवस्था में ही उन्हें इसका ज्ञान हुआ और यहाँ वो सीखे कैसे चिड़ियों का घोंसला बनाकर देखते हुए उन्होंने वहां से सीखा। फिर इसके बाद जो चौथी अवस्था आती है वो है सामाजिक अवस्था। सामाजिक अवस्था का मानव और ज्यादा विकसित हो गया था, इसमें वर्ण विभाजन हो गया था। वर्ण विभाजन में क्या क्या हुआ था, जो चार वर्णों में जो विभाजन हुआ था वर्ण का, एक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इन चार वर्णों का विभाजन है सामाजिक अवस्था में। इस समय मानव घर मकान में अपने रहने लगा था, अड़ोस पड़ोस में एक सामाजिक व्यवहार भी करता था, तो इस अवस्था में वस्त्र के बारे में और ज्यादा विकास हुआ। ठीक है, इसमें प्राकृतिक रेशों के साथ साथ और भी ज्यादा चीजें विकसित हुई। और इसके बाद जो हमारी पांचवी अवस्था आती है इसको हम कह सकते हैं आधुनिक अवस्था। आधुनिक अवस्था और इसको हम कह सकते हैं वैज्ञानिक अवस्था। वैज्ञानिक अवस्था या इसी को हम कह सकते हैं संश्लेषित रेशों की अवस्था। किसकी अवस्था, संश्लेषित रेशों की अवस्था, क्योंकि इसी समय जो संश्लेषित रेशे नायलॉन डेक्रान इन सब का निर्माण शुरू हुआ, क्योंकि अलग अलग प्रकार की फैक्ट्रियां लगने लगी और अच्छे अच्छे कपड़े का निर्माण होने लगा, तो ये सब जो है आधुनिक अवस्था, जिस अवस्था में हम रहते हैं इसमें ये सारी चीजें, मतलब एक उन्नत किस्म के रेशों का निर्माण हुआ। तो अगर वस्त्र विज्ञान का इतिहास देखें तो इसमें पांच अवस्थाएं, नग्न अवस्था, शिकार अवस्था, कृषि अवस्था, सामाजिक अवस्था और आधुनिक अवस्था, इन पांच अवस्थाओं से वस्त्र का विकास हुआ। अब हम देखते हैं वस्त्र के कुछ मूल सिद्धांत हैं, वो कौन कौन से हैं। तो वस्त्र के मूल सिद्धांत कितने हैं, चार हैं। वस्त्र के चार मूल सिद्धांत है, कौन कौन से, नंबर एक पे है लज्जाशील सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में मोडेस्टी थ्योरी कहते हैं। नंबर टू में है अलज्जा सिद्धांत, जिसको ई मोडेस्ट्री थ्योरी कहते हैं। नंबर तीन में है सुरक्षा का सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में प्रोटेक्टिव थ्योरी भी कहते हैं। नंबर फोर में है सजावट का सिद्धांत, जिसको हम डेकोरेटिव थ्योरी के नाम से जानते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम देख लेते हैं, जान जाते हैं लज्जाशील सिद्धांत कब आया और क्यों आया। पहले के लोग ये सोचते थे कि जैसे मानव के अंदर शर्म विकसित हुई, मानव के अंदर शर्म विकसित हुई तब वह वस्त्र खोजने लगा अपने शरीर को ढकने के लिए, लज्जा के कारण। इसको कह सकते हैं कि मानव के अंदर लज्जा विकसित हुई तो लज्जा के कारण वह वस्त्र ढूंढने लगा और वस्त्र का निर्माण हुआ, वस्त्र का इस्तेमाल करने लगा। ये लज्जाशील सिद्धांतवादी लोगों का विचार है। अलज्जाशील सिद्धांत जो है यह लज्जाशील सिद्धांत के बिल्कुल ऑपोजिट है, बिल्कुल विपरीत है। इसमें अलज्जाशील सिद्धांत में कहा गया है कि मनुष्य में शर्म का विकास नहीं हुआ, मनुष्य में शर्म नहीं आई, बल्कि मनुष्य इसलिए अपने शरीर को ढकना शुरू कर दिया ताकि लोग उसको देखने के लिए उत्सुक हों, उनके अंदर और उत्सुकता बढ़े देखने के लिए, इसलिए ये दूसरा वाला अलज्जाशील सिद्धांत आया। इसके बाद तीसरा हम देखते हैं सुरक्षा का सिद्धांत। सुरक्षा का सिद्धांत ये सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त सिद्धांत है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि सुरक्षा की दृष्टिकोण से मानव वस्त्र का उपयोग करने लगा। मतलब किससे सुरक्षा, जानवरों से सुरक्षा और मौसम से सुरक्षा, मौसम सर्दी गर्मी इन सब चीजों से बचने के लिए, तो वो इन सुरक्षा का सिद्धांत इसलिए डेराइव किया गया। ठीक है, और इसके बाद सुरक्षा के सिद्धांत के बाद देखेंगे तो लास्ट है सजावट का सिद्धांत। इसको भी बहुत ज्यादा मान्यता नहीं प्राप्त है। इसको कहा गया है कि मानव खुद को सुंदर दिखाने के लिए, सजाने के लिए अपने आप को, इसलिए वस्त्र का उपयोग करना शुरू किया। तो इसमें जो सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त करने वाला सिद्धांत हमारा है वो नंबर थ्री वाला, ये सुरक्षा का सिद्धांत। जो सुरक्षा का सिद्धांत है इसको सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त है।
और सबसे ज्यादा जो नकारा गया है वो है दूसरा अलज्जाशील सिद्धांत। अलज्जाशील सिद्धांत को सबसे कम ज्यादा लोग माने हैं। ये चारों वस्त्र के मूल सिद्धांत हो गए। अब हम कुछ देख लेते हैं, वस्त्र विज्ञान पढ़ रहे हैं तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं, वस्त्र विज्ञान किसको कहते हैं। ठीक है, तो आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, देखिए वस्त्र विज्ञान की परिभाषा में है कि वस्त्र विज्ञान जो हमें वस्त्र निर्माण के लिए प्रयुक्त लघुतम इकाई रेशों से परिधान एवं अन्य उपयोग हेतु वस्त्र निर्माण करने तथा इनका संरक्षण एवं संचयन करना सिखाता है वस्त्र विज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो वस्त्र विज्ञान की इसमें खुद ही लिखा गया लघुतम इकाई है। क्या है लघुतम इकाई? है रेशा। तो यहां हम रेशे को क्या कहते हैं? रेशे को कई नाम से जानते हैं, रेशे को ही हम तंतु कहते हैं और इंग्लिश में इसको हम फाइबर कहते हैं। तो जैसे मानव के लिए, जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी वगैरह हम पढ़ते हैं तो उसमें मानव शरीर में जो कोशिका है सबसे छोटी इकाई होती है, या हम कहें कि अगर हम घर बनाते हैं, एक बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें सबसे छोटा चीज जो हम इस्तेमाल करते हैं ईंट का करते हैं, तो वैसे वस्त्र के लिए अगर कहें कि वस्त्र अगर हम बनाना शुरू करते हैं तो उसमें जो सबसे छोटा मेटेरियल यूज करते हैं वो क्या है? वो रेशा है। रेशा कहें या तंतु कहें, ठीक है, तो रेशा को हम कह सकते हैं कि यह वस्त्र विज्ञान की सबसे छोटी इकाई है। क्या है? रेशा। यह वस्त्र विज्ञान की सबसे छोटी इकाई है, कि सबसे छोटी इकाई है। अब रेशा जो होता है, कई रेशे मिलकर, मतलब कई रेशे जब आपस में मिलते हैं तो उससे क्या बनता है? उससे धागे का निर्माण होता है। और धागे से, जब धागे की हम बुनाई करते हैं तो धागे से कपड़ा बनता है, और कपड़े से फिर कैसा बनता है? पहनने योग्य कपड़ा। ये कपड़ा जो है, ये जो थान में हम खरीदने जाते हैं, जो थान से कटवाते हैं, वो वाला कपड़ा है जो बुनाई के बाद बनता है, और उस कपड़े को लाकर हम उसको कटाकर डिजाइनदार जो भी पहनने योग्य कपड़ा बनाते हैं, और इन कपड़ों को जो हम पहनते हैं उसका रख रखाव, देखभाल, या उसमें जो दाग धब्बे लग जाते हैं उसका, उसको कैसे हम छुड़ाते हैं, इन सब का ज्ञान वस्त्र विज्ञान के अंतर्गत होता है। तो पूरा वस्त्र विज्ञान में कहें तो एक रेशा से लेकर वस्त्र के पहनने, रख रखाव, उसकी धुलाई सफाई, इन सब का ज्ञान कराया जाता है, और सब चीज को हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं, देखिए ये वस्त्र और रेशा, ये क्या है? वस्त्र तंतु जो है, तंतु और रेशा ये दोनों एक ही नाम है। तो तंतु वस्त्र निर्माण की सबसे छोटी इकाई, जैसा कि अभी हम बताए हैं, और तंतुओं को उनकी लंबाई के अनुसार दो भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, यहां अब हम देखते हैं रेशे का वर्गीकरण। ठीक है, तो रेशे के वर्गीकरण में दो टाइप से इसका वर्गीकरण होता है, एक लंबाई के आधार पर होता है, एक स्रोत के आधार पर होता है। तो पहले हम देख लेते हैं लंबाई के आधार पर, किसके आधार पर? लंबाई के आधार पर। तो लंबाई के आधार पर जो रेशे का वर्गीकरण होता है वो टू टाइप से होता है। नंबर एक में फिलामेंट तंतु या फिलामेंट रेशा, नंबर दो में स्टेपल रेशा, ये गलत हो गया है, स्टेपल रेशा या तंतु। ठीक है, तो फिलामेंट रेशे में जो है क्या आता है, इनकी लंबाई बहुत ज्यादा, जो फिलामेंट टाइप के रेशे होते हैं इनकी लंबाई बहुत ज्यादा होती, इनकी लंबाई ज्यादा, तो यहां हम पॉइंट लिख दे रहे हैं, लंबाई अधिक होती है, और इनको हम मापन किस में करते हैं? मीटर में करते हैं, क्योंकि लंबाई अधिक रहती है तो इसका मेजरमेंट हम मीटर में करते हैं। और इसमें कौन सा आता है? इसमें प्राकृतिक जगत का एकमात्र रेशा आता है। कौन सा? इसमें प्राकृतिक जगत का एकमात्र रेशा आता है जिसको हम कहते हैं रेशम। रेशम के रेशे को हम फिलामेंट कहते हैं क्योंकि उसकी लंबाई बहुत ज्यादा आती है। और बाकी इसके एग्जाम्पल में कृत्रिम जगत के जितने रेशे हैं, जितने भी कृत्रिम रेशे हैं, ये सारा फिलामेंट तंतु के अंतर्गत आते हैं।
तो इसमें तीन पॉइंट हो गया। एक लंबाई इसका मीटर में मापते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा लंबे ये होते हैं फिलामेंट, और प्राकृतिक जगत का इकलौता रेशा इसमें आता है रेशम, जिसको हम फिलामेंट कहते हैं, और कृत्रिम रेशे के जितने नायलॉन पॉलिएस्टर ये सारे रेशे जितने भी कृत्रिम जगत के हैं ये सब फिलामेंट तंतु के अंतर्गत आते हैं। अब सेकेंड हम देखते हैं, सेकेंड हमारा क्या है, स्टेपल फाइबर, स्टेपल रेशे। इसमें कौन कौन से आते हैं, तो सबसे पहले इनकी लंबाई कम होती है, मतलब छोटे होते हैं, लंबाई कम होती है, इसलिए इनको हम किस में मापते हैं, इंच में, इनका मापन इंच में किया जाता है। और इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें प्राकृतिक जगत के सभी रेशे आते हैं, इसमें प्राकृतिक जगत के सभी रेशे आते हैं सिर्फ एक को छोड़कर, किसको, रेशम, क्योंकि अभी ऊपर हम बताए रेशम फिलामेंट में है, तो रेशम को छोड़कर, रेशम को छोड़कर प्राकृतिक जगत के सभी रेशे स्टेपल तंतु में आते हैं, ठीक है। और बाकी जो फिलामेंट भी होते हैं उनको भी हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट के उससे हम स्टेपल तंतु बना सकते हैं। तो ये हो गया लंबाई के आधार पर, कि लंबाई के आधार पर जो तंतु रेशे होते हैं उनको दो बराबर भागों में बांटा गया, एक फिलामेंट और दूसरा स्टेपल। ये आप समझ गए होंगे। अब हम स्रोत के आधार पर वर्गीकरण देखते हैं, किसके आधार पर, स्रोत के आधार पर। तो स्रोत के आधार पर रेशों का वर्गीकरण, तो स्रोत के आधार पर क्या है, दो टाइप से हम वर्गीकरण करते हैं, एक प्राकृतिक रेशा, दूसरा कृत्रिम रेशा। प्राकृतिक रेशा वह रेशा होता है जो प्राकृतिक जगत से, मतलब नेचुरल जो प्राप्त होता है रेशा हमें, वो प्राकृतिक जगत का रेशा होता है। कृत्रिम जगत का रेशा कौन सा होता है, कृत्रिम जगत का रेशा वह रेशा होता है जो प्राकृतिक जगत में नहीं पाया जाता है, जिसको मानव कुछ केमिकल के सहारे या किसी और पदार्थ की सहायता से निर्मित करता है या बनाता है, तो वो कृत्रिम जगत का रेशा हो गया। अब हम प्राकृतिक जगत के रेशे को कई भागों में बांट के देखेंगे, तो प्राकृतिक जगत के रेशे को हम तीन भागों में बांट सकते हैं, एक हो गया वनस्पतिक जगत, दूसरा प्राणी जगत, तीसरा खनिज जगत। वनस्पतिक जगत के जितने भी रेशे होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है, उनमें सेलुलोज पाया जाता है, इसलिए इसे सेलुलोज जगत का रेशा भी कहते हैं। और जो प्राणी जगत के रेशे होते हैं इनमें प्रोटीन पाया जाता है, इनमें प्रोटीन पाया जाता है, और तीसरा हमारा क्या हो गया, खनिज। तो प्राणी जगत के रेशे को हम प्रोटीन रेशा भी कहते हैं और वनस्पतिक जगत के रेशे को हम सेलुलोज रेशा भी कहते हैं। अब वनस्पतिक जगत को हम तीन भागों में बांट के देखते हैं, वनस्पतिक जगत के रेशे को तीन भागों में बांटेंगे, तो एक हो गया बीज से प्राप्त रेशे, बीज से प्राप्त रेशे, दूसरा हो गया तने से प्राप्त रेशे, तीसरा हो गया पत्ती से प्राप्त रेशे, ठीक है। तो बीज से जो प्राप्त रेशे होते हैं उसमें दो एग्जाम्पल आते हैं, नंबर एक में है कपास और नंबर दो में है कापू। ये बीज से जो रेशे प्राप्त होते हैं वो क्या होता है कि जो बीज होते हैं जैसे कपास के बीज, उसके चारों ओर रेशे लिपटे हुए होते हैं, फिर उनको हम निकालते हैं, उसको अलग करते हैं बीज को अलग, क्योंकि उसकी अलग अलग प्रोसेस है, प्रोसेस हम आगे देखेंगे, अभी सिर्फ टाइप या इसका वर्गीकरण ही हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, जो वनस्पतिक जगत के बीज से प्राप्त रेशे होते हैं वो दो होते हैं, एक कपास और कापो। फिर उसके बाद अगला हम देख लेते हैं पत्ती वाला, ठीक है। जो वनस्पतिक जगत के पत्ती से प्राप्त रेशे होते हैं ये भी दो टाइप, दो हैं, एक सीसल और दूसरा पिन्ना। सीसल क्या है, ये सीसल नामक पौधे के पत्तियों से प्राप्त होते हैं, उनसे रेशे बनाए जाते हैं। पिन्ना जो है ये अनन्नास के पत्ते से बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है, अनन्नास के पत्ते से बनाया जाता है। तो ये दो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, बीज वाले में कपास और कापोक और पत्ती में सीसल और पिन्ना। कपास क्या होता है कि कपास से बहुत अच्छे अच्छे कपड़े बनाए जाते हैं और कपास बहुत आरामदायक भी होता है, इसलिए कपास को हम वस्त्रों का राजा कहते हैं। क्या कहते हैं, वस्त्रों का राजा, कपास को हम वस्त्रों का राजा भी कहते हैं। और जो कापोक होता है ये भी बीज से ही प्राप्त होता है, लेकिन इसमें
ऐठन का गुण नहीं पाया जाता है। किसका गुण नहीं पाया जाता है? ऐठन का अभाव होता है, ऐठन का अभाव। ठीक है, ऐठन के अभाव के कारण क्या होता है, इसको हम बट नहीं पाते हैं, इससे हम धागा नहीं बना पाते हैं, तो इसलिए इससे बोरी वोरी या चटाई वगैरह कुछ ऐसी चीजें बन जाती है, लेकिन बहुत वस्त्र इससे निर्माण नहीं हो पाता, लेकिन कपास से सुंदर और अच्छे वस्त्र बनते हैं, इसलिए कपास को हम वस्त्रों का राजा कहते हैं। अब हम देखते हैं तने। तने से प्राप्त होने वाले जो वस्त्र होते हैं, जो रेशा होते हैं, इसमें नंबर एक पे आ रहा है लिनन, जूट, हेम्प, ये हेम्प रहेगा, रेमी, अबाका, मनीला, कोयार, तो ये सब जो है उदाहरण है तने से प्राप्त होने वाले रेशे। तो आप बीज के दो याद कर लीजिएगा, पत्ती के दो उदाहरण याद कर लीजिएगा, बाकी जो बच रहा है वो सबसे सब तने में आ जाएगा। ठीक है, तो लीलन जो है ये फ्लेक्स नामक पौधे के तने से प्राप्त होता है, ये भी कई बार पूछा गया है, तो किस पौधे से? फ्लेक्स, फ्लेक्स नामक पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है लीलन। और जूट आप लोग जानते होंगे, जूट, हेम्प, रेमी, अबाका, मनीला, कोयर, कोयर जो है ये नारियल की छाल से बनता है, इससे भी बोरे वगैरह चटाई वगैरह बनाई जाती हैं। तो ये तो हो गए हमारे वानस्पतिक जगत के रेशे इतने। अब हम देखते हैं प्राणी जगत के रेशे। तो प्राणी जगत के जो रेशे हैं ये कितने हैं? दो हैं, एक हमारा रेशम है, दूसरा हमारा ऊन है, जिसको इंग्लिश में ऊल बोलते हैं। तो रेशम जो है, अभी हम रेशम ऊपर देखे थे, इसको हम फिलामेंट भी कहते हैं क्योंकि यह बहुत लंबा होता है, और रेशम को हम वस्त्रों की रानी कहते हैं। क्या कहते हैं? वस्त्रों की रानी। रेशम को हम वस्त्रों की रानी कहते हैं क्योंकि इससे बहुत ही अच्छे कपड़े, सुंदर आकर्षक कपड़े तैयार किए जाते हैं। और रेशम के कपड़े किससे बनते हैं? रेशम के तंतु। तो ये रेशम का एक कीट होता है, रेशम का कीट होता है, रेशम का एक कीड़ा होता है, जिसको हम सहतूत के पेड़ पर पालते हैं। किसके? सहतूत के पेड़ पर पालते हैं। और रेशम का जो कीड़ा होता है वह सहतूत की पत्तियां खाकर ही बड़ा होता है, और उससे क्या होता है, जो रेशम का कीड़ा होता है उसकी लार से, कोकून के ऊपर उसके लार से चारों ओर रेशे का निर्माण होता है। तो ये सारी प्रोसेस कि कैसे कोकून बनता है और कैसे कोकून से रेशम निकाला जाता है, ये सब इनका एक अलग चैप्टर ही है, इसको हम अलग से देखेंगे। सिर्फ इतना आप जानिए इसमें कि रेशम जो है ये क्या है, ये प्राणी जगत का रेशा है, और रेशम को वस्त्रों की रानी कहते हैं, और ये किससे प्राप्त होता है? ये रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है। चूंकि रेशम का कीड़ा एक प्राणी है, ना कि एक वनस्पति है, तो प्राणी अगर से प्राप्त रेशा है तो ये प्रोटीन जगत का रेशा है। ठीक है, इसमें एक सिरेमिक नामक प्रोटीन पाया जाता है, तो इसलिए ये प्रोटीन जगत का रेशा हो गया। ऐसे ऊन, इसका जो सेकेंड होता है प्राणी जगत से, जो दूसरा हम रेशा प्राप्त होता है वो कौन सा है? ऊन। और ये किससे प्राप्त होता है? ये भेड़, बकरी, ऊंट, इन सबके बाल से प्राप्त होता है। ठीक है, तो यह भी क्योंकि बाल में क्या होता है, हमारे जो मानव का बाल या किसी भी प्राणी का जो बाल बना होता है वो कीरेटिन प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं प्रोटीन से ही बना है, तो ऊन भी हमारा प्रोटीन जगत का रेशा हो जाता है। कहाँ का रेशा हो जाता है? प्रोटीन से निर्मित रेशा हो जाता है, या कह सकते हैं इसको प्रोटीन जगत का रेशा। तो इसको हम कह सकते हैं कि अगर आए प्राणी जगत के रेशे कौन कौन से हैं, तो दो आएंगे, एक रेशम, दूसरा ऊन, या फिर कह सकते हैं कि प्रोटीन जगत के कौन कौन से रेशे हैं, तो उसमें आ जाएंगे रेशम और ऊन। ठीक है, तो अब ये हम प्राणी जगत के देख लिए। अब अगला देखते हैं खनिज, क्योंकि इसको हम तीन भागों में बांटे थे प्राकृतिक रेशे को, एक वनस्पतिक, दूसरा प्राणी और तीसरा खनिज। खनिज में हमारे तीन रेशे आते हैं, एक सोना, चांदी और एस्बेस्टस। सोना, चांदी तो आप लोग जानते होंगे, एस्बेस्टस क्या होता है, यह भी एक धातु है, खनिज है, इससे अग्निरोधी वस्त्र बनाए जाते हैं। जैसे जो कहीं भी आग वाग लगती है तो जो उसको बुझाने जाते हैं, तो उसमें कौन से कपड़े पहन के जाते हैं कि वो नहीं जलते हैं,
तो उनका कपड़ा जो अग्निरोधी वस्त्र होता है वो एस्बेस्टस का बना होता है। तो ये अग्निरोधी जो वस्त्र बनते हैं, अग्निरोधी वस्त्र, ये एस्बेस्टस के ही बने होते हैं। ठीक है, तो ये खनिज में हमारे तीन आ गए, सोना चांदी तो कम पूछा था लेकिन एस्बेस्टस ज्यादा पूछा जाता है कि एस्बेस्टस किस जगत का रेशा है, तो यह प्राकृतिक खनिज जगत का रेशा है। तो ये तो हो गया प्राकृतिक रेशों का वर्गीकरण। अब हम देखते हैं आगे कृत्रिम रेशों का वर्गीकरण। तो कृत्रिम जगत का रेशा या कृत्रिम रेशे कौन कौन से हैं, तो कृत्रिम रेशे दो का वर्गीकरण हम दो भागों में करते हैं। कृत्रिम रेशे का वर्गीकरण दो भागों में एक हो जाता है मानव निर्मित रेशा और दूसरा हमारा हो जाता है रासायनिक रेशा, या इसी को हम कह सकते हैं संश्लेषित रेशा। क्या कह सकते हैं? संश्लेषित रेशा। तो जो मानव निर्मित रेशा होता है इसमें जो इसका एग्जाम्पल है एक है रेयान। तो मानव निर्मित जो संश्लेषित मानव निर्मित जो कृत्रिम रेशा है रेयान, ये कैसे बनता है? ये जो पेड़ वोड़ की जो लकड़ी होती है उसकी लुगदी बनाया जाता है, उसकी लुगदी बनाने के बाद उसको स्पिरिट के छिद्रों से निकालकर एक तार की तरह बनाया जाता है। ठीक है, फिर उसको बट के उसको बुन के फिर कपड़े का निर्माण किया जाता है। तो इस तरह से मतलब जो पेड़ है या पेड़ की लकड़ी है इन सबसे या कागज वगैरह जैसे भी बनते हैं, तो इन सबसे जो बनाया जाता है रेयान, यह मानव निर्मित रेशा होता है। लेकिन जो रासायनिक रेशा होता है संश्लेषित रेशा, यह पेड़ की लुगदी वगैरह से नहीं बनाया जाता है, यह रासायनिक तत्वों से या रासायनिक पदार्थों को या केमिकल से मिला के बनाया जाता है। तो इससे बहुत अच्छे अच्छे कपड़े बनाए जाते हैं, जैसे नायलॉन रेशा हो गया, डेक्रान रेशा, अरनाल, पॉलिएस्टर, ढेर सारे से बहुत प्रकार के तंतु, और आजकल यही चल भी रहा है इस तरह के रेशे। इसमें से जो नायलॉन है इसको हम जादुई रेशा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जादुई रेशा, क्योंकि इसके वस्त्र जो है बहुत सस्ते भी होते हैं और बहुत कंफर्टेबल होते हैं, टिकाऊ भी होते हैं, तो इसलिए इसको जादुई रेशा कहते हैं और हर कोई इसकी पहुंच तक होता है, हर कोई इसका इस्तेमाल करता है। तो तीन हो गया, एक वस्त्रों का राजा, वस्त्रों का राजा ये हम बताए कपास को, दूसरा वस्त्रों की रानी ये हो गई रेशम, और तीसरा ये जादुई रेशा जिसको हम नायलॉन को कहते हैं। ठीक है, तो आज हम ओवरऑल वस्त्र विज्ञान में टेक्सटाइल में हम देखे रेशे कितने टाइप के होते हैं, इनका वर्गीकरण कैसे होता है। तो सबसे पहले तो हम ये देखे कि रेशे से धागा कैसे बनता है, फिर धागे से कपड़ा, कपड़े से पहनने योग्य कपड़ा, रेशा क्या है, यह वस्त्र विज्ञान की सबसे छोटी यूनिट होती है, सबसे छोटी इकाई होती है। फिर उसके बाद हम जब रेशों का वर्गीकरण करेंगे तो सबसे पहले हम लंबाई के आधार पर वर्गीकरण करेंगे, तो लंबाई के आधार पर दो भागों में उसका वर्गीकरण करेंगे, एक फिलामेंट दूसरा स्टेपल। ठीक है, फिलामेंट बहुत लंबे होते हैं जिसका मेजरमेंट हम मीटर में करते हैं, और स्टेपल छोटे होते हैं, इनका हम जो मापन है वो इंच में करते हैं। इसके बाद स्रोत के आधार पर रेशों का वर्गीकरण, तो स्रोत के आधार पर हम रेशों का वर्गीकरण दो भाग में करेंगे, एक प्राकृतिक रेशा दूसरा कृत्रिम रेशा। फिर प्राकृतिक रेशे में तीन भागों में उसका डिवाइडेशन करेंगे, एक वनस्पतिक रेशा, फिर प्राणी रेशा, फिर खनिज। और वनस्पतिक रेशे में फिर तीन पार्ट आ जाएंगे, बीज से प्राप्त रेशा, तने से प्राप्त रेशा, पत्ती से प्राप्त रेशा। और प्राणी जगत में दो रेशे आएंगे, एक रेशम दूसरा ऊल, और खनिज में हमारे सोना चांदी एस्बेस्टस आ जाते हैं। उसके बाद कृत्रिम रेशा एक मानव निर्मित रेशा हो गया, दूसरा रासायनिक रेशा। मानव निर्मित रेशे में हमारा रेयान हो जाता है, और रासायनिक या संश्लेषित रेशा में नायलॉन, डेक्रान, पॉलिएस्टर तमाम रेशे आ जाते हैं, ये सब एग्जाम्पल है। तो आज हम इसका वर्गीकरण देख लिए, आज इतना ही। इसके बाद हम एक एक रेशे को विस्तृत, उसका संगठन क्या, उसका गुण क्या है, कैसे उसका निर्माण होता है, कहां से वो बनाए जाते हैं, सब हम देखेंगे। धन्यवाद, आज इतना ही।